मैं गौहर रजा और अगले 5-7 मिनट तक आप मेरे साथ हैं कुछ विज्ञान और कुछ साहित्य को लेकर। जनवार पर ये वीकली प्रोग्राम मैं लगातार आपके सामने आता रहूँगा। इस बार एक अजीब सी न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी और ये न्यूज़ कह रही है, हेडलाइन इसकी कि खप पंचायत का ये कहना कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए और हम उन सबको दंड देंगे जो इस रूल को, इस लॉ को, इस कानून को तोड़ेंगे। ये बात साइंटिफिक है, ये बात वैज्ञानिक है और ये कह रहे हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब। इससे पहले कि मैं इस बात के ऊपर आऊँ कि इसमें कितना तथ्य, क्या ये वैज्ञानिक है या नहीं है, मैं आपको ले चलना चाहता हूँ इतिहास के पन्नों। इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएं तो हमें पता लगता है कि इनकलाब का नारा विज्ञान के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ये विज्ञान का इनकलाब यूरोप में आया और तब आया जब कॉपरनिकस ने पहली बार ये कहा कि धरती घूमती है, चांद तारे स्थिर हैं और धरती घूमती है। इस बात ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया क्योंकि सारी धार्मिक किताबें, ग्रंथ ये कह रहे थे कि धरती रुकी हुई है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्यों कहते हैं इस बात को कि कॉपरनिकस की वो किताब इनकलाब की शुरुआत थी, वैज्ञानिक इनकलाब की? इसलिए कि इससे पहले तक धार्मिक नेताओं के पास धार्मिक ग्रंथों में जाना पड़ता था। अगर कोई साइंटिस्ट ये कहता था कि मुझे अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने जो कुछ मैंने अभी तक सीखा समझा और प्रमाण हासिल किए हैं, जो डेटा कलेक्ट किया है, वो सब कुछ मिला करके मुझे इस नतीजे तक पहुंचाता है, और अगर वो नतीजा इन ग्रंथों में लिखी किताबों के खिलाफ होता था तो फिर साइंटिस्ट को दंड दिया जाता था या चुप रहने के लिए कहा जाता था। ब्रूनो को जला दिया गया ये बात कहने के ऊपर कि धरती घूमती है, सूरज रुका हुआ है। लेकिन धीरे 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 साइंस आगे बढ़ी और उसने कहा कि अब प्रमाण पूरी तरह से मिल गया है। जब गैलीलियो ने यह साबित किया अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करके कि दूसरे ग्रह ऐसे मौजूद हैं जिनके तरफ चारों तरफ चांद चक्कर लगाते हैं, यह आखिरी प्रमाण था। लेकिन इसको इनकलाब क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसके बाद सारे धार्मिक ग्रंथ, सारे धार्मिक लोग, वो जिनकी दुकानें धर्म के आधार पर चलती हैं, अब साइंस के पास सर्टिफिकेट लेने जाने लगे कि ये बात जो हमारे ग्रंथ में लिखी है, हमारी किताबों में लिखी है या हम कह रहे हैं, वो साइंटिफिक है, वो वैज्ञानिक है। दोनों का रोल बदल गया। धार्मिक नेता अब साइंस के पास आने लगे बजाय इसके कि वैज्ञानिक धर्म की तरफ जाएं और उनसे कहें कि हुजूर आप हमें बता दीजिए कि हम इस साइंटिफिक खोज को आम जनता तक ले जाएं कि ना ले जाएं। यही यहाँ भी हो रहा है। जो धर्म के ऊपर आधारित खप पंचायत हैं, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर आधारित खप पंचायत हैं, आज वो ये दावा कर रही हैं कि साइंस भी वो कह रही है जो अब तक उनकी मान्यता रही। अजीब बात, वो ये चाहते हैं कि आप साइंस को ना समझें। उनका कोई लेना देना साइंस के साथ नहीं है, वो सिर्फ साइंस का, विज्ञान का नाम लेकर के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी दुकानें वैसी ही चलती रहें जैसी चलती रही हैं। खप पंचायत अपनी जगह के ऊपर अपना वर्चस्व कायम रखे, लोगों के ऊपर उसी तरह दमन कर सके जैसे कास्ट सिस्टम के अंदर दमन होता रहा है। वो एक युवती को, एक लड़की को और एक लड़के को ना मिलने में असल मामला ये है और इसमें शामिल हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। हमने लगातार ये देखा है कि मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स
और यहाँ तक के प्रधानमंत्री भी गैर साइंस बातें, अवैज्ञानिक बातें बड़े दबंग तरीके से जनता के सामने, जनता के प्लेटफॉर्म पर रखते हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती। यहाँ पर असल मसला इसका है कि इसे कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जेनेटिक डिजीजेस के साथ। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर बहुत करीबी रिश्तेदारी हो तो जेनेटिक डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात सही, इसकी वजह से थोड़ी दूर के लोगों से शादी करनी चाहिए। लेकिन विज्ञान कास्ट सिस्टम को नहीं मानता। हमारे यहाँ की जो ढांचा है पूरा का पूरा, जिसमें एक दलित को नीच माना जाता है, एक ऊंची जात के आदमी को ऊंचा माना जाता है, इसके ऊपर खाप पंचायत कुछ नहीं कह रही है। साइंस का इस्तेमाल, विज्ञान का इस्तेमाल इसके लिए कर रही है कि ये कास्ट सिस्टम बरकरार रहे, ये गोत्र बरकरार रहे, और ताकि उनकी दुकानें चलती रहें। अब आते हैं जेनेटिक डिजीज़ के ऊपर। बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं और वो ये चाहते हैं कि आपको ना मालूम हो कि इनकी अलग अलग क्या क्या वजह है। उन्होंने एक वजह बीच में से निकाली और फिर साइंस का प्रमाण लेकर के आ गए बेवकूफ़ बनाने के लिए हर देश के नागरिक को। जेनेटिक डिजीज़ जो शायद माँ बाप से बच्चे तक पहुँच सकती हैं, या फिर वैसे भी माँ बाप में अगर कोई परेशानी है दोनों के बीच में, तो वो तो बढ़ा ही देगी प्रोबेबिलिटी को। लेकिन वैसे भी जेनेटिक डिजीज़ बहुत सारी होती हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम है, जिसके अंदर हार्ट की डिजीज़ हैं, जिसके अंदर ब्रेन की बहुत सारी डिजीज़ हैं, जिनसे बचने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए खाप पंचायत के पास जाकर के आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको सही अस्पताल में। बच्चे की जाँच करवानी होगी, बच्चे के बारे में ये पता करना होगा कि उसके अगर कोई कमी रह जाती है, उसके हाथ पाँव में कमी रह जाती है, उसके नज़रों में कमी रह जाती है, उसके देखने में, या फिर ब्रेन में कोई कमी रह जाती है, तो उसकी सही जांच होनी चाहिए। ये सारी खाप पंचायत और हमारे चीफ मिनिस्टर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम के अंदर रहो तो तुम सेफ रहोगे, ऐसा होने नहीं जा रहा। साइंस विज्ञान की तरफ अगर आप जाएंगे, सही जाँच करवाएँगे, तब फिर आपके बेहतर नस्ल इस देश के अंदर स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं के साथ बेहतर नस्लें पैदा हो सकती हैं और उनके समाधान ढूंढे जा सकते हैं। खाप पंचायत के चक्कर में मत आइएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम को बरकरार रखने के लिए विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं झंझवार पे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड बाय।